देखियो भैया, चल यार चल, अब सीधा एकदम के पास चलते हैं, उसको दिखाते हैं कि भैया देख सही है ना, मेरे को चल 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 जल्दी चल। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं आपको बैलवादी और आप देख रहे हैं अलवादी व्लॉग्स। गाइस कल फाइनली हमने उस बंदे का चेहरा देख लिया जो आदमखोर को चिकन वगैरह खिला रहा था, तो भी आज उसका पोस्टर वगैरह स्केच वगैरह सारी चीजें बनवा देंगे, फाइनली वो बंदा तो पकड़ा जाएगा। गाइस अभी जस्ट मैं उठा था, अभी जल्दी से नहा धो के सानू को एक बार स्कूल से लेता हूं, उसका स्कूल से आने का टाइम हो गया। सो गाइस सानू स्कूल से तो आ चुकी है। तुम्हारे दांत खराब हो गए? ब्रश नहीं करता और भाई इतनी सारी चॉकलेट खाता है, अब चॉकलेट नहीं खाएगा सानू, समझदार हो गया। अच्छा तब क्या है? सांप कैसे करता? सो गाइस सानू अब थोड़ी समझदार बन रही है, छोटी थी जब तो वही मैम को भी डांट देती थी, बच्चों को पीट देती थी, रोज शिकायत आती थी इसकी। शौक है बचपन से मुझे स्कूल जाना। स्कूल कल जाना, अब तो स्कूल से आए हो आप, चलो मैं तुझे बताता। अरे कुछ नहीं कहेगा, बस हवा निकल गई। मैं जस्ट अभी सानू को स्कूल से लेके आया था और भी अभी विवेक की कॉल आई कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जा। अच्छा जल्दी से विवेक के पिछवाड़े पे बुड़का। भाई ऐसी क्या जल्दी होगी, अभी तो बस मैं सानू को लेके आया था, खाना पीना खाने बैठा था, तूने तभी बुला लिया। भाई फिर सारी शॉप वगैरह बंद हो जाएगा, स्केच नहीं बनवाना क्या? अरे भाई साहब स्केच की तो मैं भूल ही गया था। वही तो यार, शॉप वगैरह सब खोलना बंद हो जाएगा, और मैंने विनीत के पास करा है फोन, वो भी कह रहा है कोई इसका कोई जानकार वगैरह। ये तो और भी अच्छी बात है फिर, जानकार है तो भाई अभी विनीत को उठा लेते और उसके दोस्त के पास चलते, अभी स्केच बनवा लेते, पहले उसकी 4-5 फोटोकॉपी भी करा लेंगे, आसपास सारी जगह बांट देंगे और नीचे नंबर लिख देंगे अपना, जो भी बंदा देखेगा ना वो हमें कॉन्टेक्ट कर लेगा फिर। भाई तो इस वीडियो में ना थंबनेल पे भी लगा दिया उसको, अगर कोई भी अगर देखेगा तो देखते ही बता देगा, जिसको भी दिखे ना हमें जरूर कॉन्टेक्ट कर लेना। सो गाइस अभी विनीत को बिठा लिया यार, 4 बजे का टाइम दिया था उसको, 5 बजा दिया, 4 बजे का दिया था। हाँ क्या पता वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे यार ऐसा मत कर यार, ये खुद 5 बजे है मेरे पास, उसको फोन कर, उसको बोल के हम बस आ रहे हैं ठीक है रस्ते में। वो बंदे का क्या लगता है वो दोबारा आएगा उसके पास, आदमखोर के पास उस बिल्डिंग में? अगर वो उसको डेली खाना वाना खिलाता है तो भाई उसको आना पड़ेगा ना, खाना खिला रहा है तो एकदम से आना थोड़ी छोड़ देगा वो। हमने कल पकड़ने की कोशिश की उसको, उस चीज के बाद क्या पता वो डर जाए कि, को लगता है कि अगर वो आया भी ना तो वो अकेला तो आएगा नहीं। वो सारी चीज भी देखेंगे, पहले उस बंदे के पास चलो जल्दी। सेक्टर 6 में कहाँ लिया है भाई तू, यहाँ पे तो रोहित नहीं रहता है भाई, तो बनाता है स्केच। अरे उसी के पास चल रहा है क्या? तुम्हें पता नहीं था कि वो स्केच वगैरह बनाता है? स्केच तो बनाता है, हमें तो ये थोड़ी पता है कि तू उसके पास लेके जा रहा है, हमें लगा कि मार्केट वार्केट में लेके जा रहा होगा। ये बंदा तो अपना दोस्त ही निकला, इसने तो नाम नहीं बता रखा था वरना पहले ही पहचान जाते हम। कहाँ गया भाई वो? कपड़े वपड़े ठीक कर रहा है। तो ये देखो इसने कितने सारे स्केच बनवा रखे हैं, अभी जल्दी से इसे हुलिया बता देते हैं कैसा बनाना है। तो भाई अभी इसको हुलिया वगैरह सारी चीजें बता दी है, अभी बनाना स्टार्ट तो कर दिया भाई, एक बार बनने के बाद देखते हैं कैसा दिखता भाई। भाई अभी स्केच बनवाना तो दे दिया था, अभी देखते हैं भाई कैसा स्केच बनाया। अभी मोहित की कॉल आई थी, उसने अपनी गाड़ी ठोक दी थी सुबह, अभी शोरूम में जाना उसे उठाने। सुबह मेरे पास कॉल आई कि जल्दी यहाँ पे आ जाना, क्या हुआ? बोला गाड़ी लग गई, वो ऑटो वगैरह था उसने एकदम से कट वगैरह मार दी, ऑटो वाले को पकड़ रखा था इसने, ये उसके मारने लग रहा फिर वहाँ पे जाके मोहित। हाँ मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उसके घर वालों को उसको गाड़ी देनी बंद कर देनी चाहिए, वरना किसी दिन वो कहीं और ही नाले में कुदाया मिले। वीडियो देख करके सच में कर दी ना तो ये बात तेरे ऊपर आ जाएगी, बता रहा हूँ। अंकल आंटी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसको गाड़ी देना बंद कर दो। स्केच बनवा लिया तुमने? स्केच का दे के तो आए भाई, वो बोला कि कम से कम भी मेरे को आधा एक घंटा लग जाए जब तक गाड़ी ले आते हैं और फिर उसके बाद स्केच उठा लेंगे। सो गाइस अभी शोरूम के बाहर तो आ चुके हैं। लो भाई ये देख लो क्या हालत कर रखी है इसने, तेज मार दी भाई। अरे मेरी नहीं। तो गाइस सवाल ही नहीं हो भाई साहब, ये देखो खूनम खून हो रखी है भाई, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो रखा, देखियो भाई सारी खूनम खून हो रखी है। ओ भाई साहब ये देख भाई क्या बना रखा है इस गाड़ी का, देख हाल से ये पलट के पोल वोल में लगी है भाई। इस गाड़ी तो भी नहीं थी, बोल रहे कल सुबह 10 बजे उठा के ले जाना भाई, जैसी उस गाड़ी की हालत देखी ना भाई, आप लोग भी धीरे चलाए करो भाई, वो बंदा बचे नहीं होंगे भाई। भाई मेरे को भी नहीं लगता कि यार कोई यार बचा होगा, मैं तो भाई सोच रहा हूँ बाकी से ना गाड़ी धीरे तो भाई क्या ही चलाने यार, मैं सोच रहा हूँ कि चलाना ही बंद कर देते हैं, साइड में लगा देते हैं। चलो पैदल चलते हैं, गाड़ी को यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। तो रही मजाक की बात, पर फिर भी अगर वो कम स्पीड में होता ना भाई, वो थोड़ी बहुत रोड लग के बच जाता, जैसी सिचुएशन इस गाड़ी है ना भाई बंदा बचा नहीं होगा। गाइस अभी रोहित की कॉल आ चुकी है भाई, पोस्टर बन के रेडी हो चुका है, चल भाई जल्दी चल फिर एक बार वे ले आते हैं कि 4-5 फोटो स्टेट करा लेंगे और अभी आसपास सारी जगह दिखाएंगे। यार बंदा यार मिल जाएगा, अगर गाँव में नहीं मिला तो हम पूछ लेंगे, अगर वहाँ से भी नहीं मिला तो भाई हमारे सब्सक्राइबर ढूंढ करके देंगे भाई उसको। रोहित कहाँ गया ये?
ओ भाई, अरे बना दिया भाई इसने तो। बना भी दिया यार, क्या कर रहे हो भाई साहब, ये तो प्रॉपर बना दिया भाई, देखियो भाई। ये चल यार, चल अब सीधा इधर मेरे पास चलते, उसको दिखाते हैं कि भैया देख सही है ना, मेरे को चल चल जल्दी चल। दिखा यार इसको, इसको तो शक्ल एग्जैक्ट ऐसी, अगर तुम सामने से देखोगे ना पहचान लोगे इसको। इसकी हमने फोटोकॉपी वगैरह भी करा ली भाई, कई 4-5 फोटोकॉपी करा ली इसकी। आप पहले गांव में आसपास पता कर लेते, जो भी बंदा दिखे ना उसको दिखा लेते हैं। इस वाली दुकान पे पता करके आ जल्दी। क्या हुआ, नहीं देखा क्या? अरे भाई एक सेकंड, वही सामने बंदे खड़े हैं, इनसे और पता करते हैं भाई। भाई आपने देखा है इसको? अरे यार बताया तो यार, इस गांव का ही 4-5 बंदों से तो पूछ लिया यार, किसी ने नहीं देखा। यार शॉप पे पता कर लेना किसी। सही कह रहा यार, सामान को मन तो लेने जाता होगा ये, कुछ शॉप वालों का ही शॉप है, यहाँ पे पता कर ले, कुछ ना कुछ सामान लेने आया तो होगा भाई। शॉप वगैरह पता कर क्या, किससे पूछने लग गया ये पता नहीं भाई। शॉप वालों को दिखाने में फायदा लग रहा है, क्योंकि बंदा शॉप पे तो सामान लेने जाता ही होगा, उस पास पे और शॉपों पे चेक करते हैं। क्या हुआ भाई, पता चला गया यार? कहीं नहीं मिल रहा यार ये बंदा यार। शॉप वाले को भी नहीं दिखा भाई, को यूं करा क्या, देखा ही पहली बार है यार। तो क्या पता इस गांव का ही ना हो भाई ये बंदा। भाई ये भी हो सकता है भाई, दोनों चीज यार बहुत जगह पता कर ले, किसी ने नहीं देखा इसको, क्योंकि यार कम से कम 5-7 बंदों को, और भाई शॉप वाले को तो फिर भी ध्यान रहता है कि बंदा कुछ सामान लेने आता है। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर इसका ठिकाना है, क्या पता ये वहीं पर ही मिल जाए हमें। चल एक बार वो चेक कराते हैं भाई। सो गाइस अभी उसी रोड पे आ चुके यार, कोई बंदा इस टाइम भी कोई बंदा नहीं घूम रहा यहाँ पे, अगर वो बंदा आएगा तो देख नहीं ले गाड़ी को। एक काम कर, गाड़ी को छिपा दे जल्दी। तो गाइस जब यहाँ पे आ गए, एक काम करते हैं सारे अलग अलग हो गए, देखते हैं जल्दी दिखेगा। और सुन अपने फोन की फ्लैश जलानी सबने, ये वाली लाइट बंद कर लियो यार, ज्यादा अलग अलग मत जाओ। वो भाई बेसमेंट में मिलेगा, वो इतना डरा हुआ है कल के इंसिडेंट के बाद, क्योंकि बेसमेंट की जगह पेड़ों पे ना बैठा हुआ हो। दिखा मोहित कुछ, चलो ऊपर चेक करके आते हैं। आवाज आ रही है यहाँ से बेसमेंट से, काम करते हैं ऊपर की तरफ से आ रही है आवाज, ऊपर से लाइट लेके आना। क्या हो गया, लंबी वाली लाइट देखो, क्या ऐसा लग रहा है जैसे आदमखोर को देखा मैंने अभी। आदमखोर गया उस बंदे को, आदमखोर को भाई, आदमखोर की तो बेसमेंट से आ रही है यार आवाज। कोई सामने क्या भाई साहब, ये क्या चीज पड़ी हुई है भाई, जब काफी देर हो चुकी है ढूंढते हुए, कुछ भी नहीं दिख रहा आसपास, ना उस बंदे का कोई नामो निशान मिल रहा है। एकदम खोर की आवाज आ रही है कंटिन्यूअसली बेसमेंट से, 12-12 1-1 बजे आते हैं। और आज हम बहुत जल्दी आ जाए, किस चीज की आवाज आई है, क्या देख रहा है नीचे, नीचे तो नहीं आ गया वो, भाई साहब वो सीढ़ियों के नीचे देख रहा था भाई, बाहर से देख क्या हो कि वो नीचे तो नहीं आ गया। भाई नीचे तो कोई भी नहीं है, ऐसा लगा मैं पीछे लग गया हमारे, नीचे कोई भी नहीं था भाई, नीचे क्या देख रहा था भाई। भाई मेरे सामने भाई ये वेट वेट कर रहा भाई, उस बंदे की वेट कर रहा होगा भाई, बाहर आ गया वो फिर से भाई। भाई तो पागल हो जैसी हरकत कर रहा है, और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया ये यार, ये तो पागल ही हो गया, इसको पकड़ना है क्या, इसको नहीं पकड़ेंगे भाई, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, कुछ काम कर देगा, इस बंदे का वेट करेंगे भाई। और हमारे पास आज डंडे वगैरह कुछ भी नहीं है, अरे यार डंडे तलवार भी नहीं लेके आज, भाई पर ये बेसमेंट से बाहर आ रहा है यार, अरे उस कुतरी ओ भाई जल्दी फिर से आ गए भाई, भाई तो पागल हो गया लगता है, देखिए क्या हरकत कर रहा है ये, ओ भाई साहब पीछे 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 पीछे,
पीछे तो नहीं आ रहा मोहित कहाँ गया? अरे मोहित कहाँ रह गया था तू? नीचे देखने गया था, कोई भी नहीं था नीचे। कितना एग्रेसिव हो रखा भाई, निकल भाई साहब। क्या करना यार, अब काम करते भाई, बाहर गेट पे बैठ के वेट करते भाई उसका। यहाँ से निकलो भाई, पास आ गया ना, हमारे पास कुछ डंडे वगैरह भी नहीं है खुद को बचाने के लिए। चल यार बाहर जाके उस बंदे का वेट करते है भाई। ये तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा भाई, आज तो कोई मतलब नहीं बनता। कैसे सामान उठा उठा के फेंक रहा था वो भाई, पागल दिमाग खराब हो चुका है इसका। तुमने हमें नहीं देखा, नहीं तो भाई हम पे अटैक कर देता। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था भाई, आज तो सेफ्टी के लिए एक भी चीज नहीं थी हमारे पास। बंदा भी नहीं मिला आज तो यार। भाई अभी उसके बाहर खड़े हुए हैं, हमें खड़े खड़े कम से कम भी आधा एक घंटा हो चुका है। पूरा टाइम कितना हो गया भाई? अब 10 बजने वाले हैं यार, अब कम से कम भी 1.5-2 घंटा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन यार 10 बजे के बाद तो आ जाता है ना, देखते हैं यार वेट करके कितनी देर में आता है। मेरे को तो लग रहा है यार वो चला गया भाई, वो नहीं आएगा क्योंकि हमने कल उसको जैसे पकड़ने की कोशिश करी ना, वो अब नहीं आएगा भाई। कम से कम क्लियर तो हो, वो आएगा या नहीं? आधा घंटा और वेट कर लेते हैं भाई, वो अगर पकड़ लिया तो आदमखोर भी पकड़ा जाएगा भाई। ये तो पागल हो चुका है यार, क्या होगा अगर वो आएगा ही नहीं तो? क्या तू पूरी की पूरी रात यहाँ पर भाई? आज नहीं तो कल तो आना पड़ेगा, कल दोबारा वेट करेंगे यार। मेरे को लगता है कि वो एक दो दिन वेट करके वो तब आएगा, वो आज तो नहीं आया। गाइस काफी देर हो चुकी है वेट करते करते भाई, ऐसा लग रहा है कि वो आएगा ही नहीं। क्या टाइम होगा? 11:47 कितना टाइम हो गया? 12 बजने वाले हैं। अरे यार 11:47 हो चुके हैं, कितनी देर हो गया? चलो यार चलते हैं, अब तैयार है तो क्या करें भाई। भाई वो अगर आना होता तो इतने बजे तक आ जाता यार। एक काम करेंगे कल दोबारा से आए, क्या पता वो सोच रहा हो कि एक दिन छोड़ के मैं अगले दिन चला जाऊंगा। हो सकता है भाई, कल उसके साथ इतनी वारदात हुई, क्या पता आज वो ना ही आता हो। चल भाई चलते हैं यहाँ से, अब नहीं आ रहा तो क्या करें। कल एक काम करेंगे, कल अगर वो नहीं आया ना, कल हम पूरे डंडे वंडे सारी सेफ्टी के साथ आएंगे। और उसको एक काम करेंगे, कल चिकन विकन लेके आके इसको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे। ये सोच रहा हूँ अगर वो बंदा हमें मिल जाता ना, तो उसके थ्रू ही अगर हम इसको पकड़े ना तो सबसे बेस्ट होती चीज भाई। हो सकता हो भाई उस आदमी पे अटैक कर दिया इसने। यार अगर आदमी पे अटैक करा होता तो वैसे भूखों की तरह थोड़ी ना होता वो। भाई सही कह रहा है यार, वो मेरे ख्याल से वो बंदा आया ही नहीं है, ये इतना भूखा हो रहा है, क्या पता वो बंदा उसी पर अटैक कर दे। एक काम करते हैं, उससे पहले आना पड़ेगा हमें कल उसकी वेट करने के लिए। जैसे ही वो आएगा ना उसे भारी पकड़ लेंगे। जब इस तो यहाँ से निकल ले, घर पे जा रहे सीधा। विवेक को भी उतार दिया था, और भी वो एक एक पोस्टर अब तुम भी ले जाना, और तुम भी स्टोरी वगैरह डाल देना उस पोस्टर की। सही हुआ आज उसके पास नहीं गए, वो देखा था ना आज कितना एग्रेसिव हो रखा था भाई। बात तो उसने देखा नहीं, तो ऊपर से दोबारा पत्थर मार देता फिर सिर फूटता किसी ना किसी का। सो गाइस अभी तो घर साइड जा रहे हैं, और कल चलेंगे, और कल जितना भी वेट करना पड़े ना उतना वेट करेंगे, उस बंदे को जरूर पकड़ेंगे। उसका शेयर कर दूं, अगर आप लोगों को दिखे ना तो जरूर कॉन्टैक्ट करना हमें। इस वीडियो को ही एंड कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।